हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्लाइंग सिविक स्टॉक्स। एंड आज के वीडियो में चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक्स बेसिकली ऐसे हैं जिनके हाई आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ ऐसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं जो ग्रोइंग सेक्टर है एंड आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कंसिडरेशन में रहेगा, ये ऐसे स्टॉक्स हैं चारों जिनके अंदर FII लगातार अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। तो चारों ही स्टॉक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड साथ ही साथ इनमें से एक स्टॉक ऐसा है जो मार्केट लीडर है अपने फील्ड में, तो वो कौन सा स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो अगर आपने पहले ही उस स्टॉक्स को गैस कर पाते हैं तो चारों स्टॉक्स का नाम देख के, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि पता चल सकता है कि आप अपनी मार्केट के अंदर कितनी नॉलेज रखते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ये लिटिल बिट मेरा इंट्रोडक्शन है, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। लास्ट वन ईयर के अगर रिटर्न देखेंगे तो इस कंपनी ने अराउंड 150% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। 12,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है एंड ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाती है एंड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी वो इक्विपमेंट्स सेल करती है। दोस्तों, पावर ये ऐसा सेक्टर है जो आगे आने वाले 10 ईयर्स तक काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। चाहे पावर के किसी भी सेगमेंट की वो कंपनी हो, चाहे ट्रांसमिशन की हो, जनरेशन की हो या डिस्ट्रीब्यूशन की हो। जैसे कि एलोकेन इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो ये ट्रांसमिशन में काम करती है, तो एक वैल्यू चेन के अंदर काम करती है ये पावर जनरेशन के, पावर के। तो इस तरीके की कंपनी जो भी है, जो पावर की तीनों ही वैल्यू चेन से रिलेटेड है, वो आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाली है। 12,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखती है कि ये आगे आने वाले 10 ईयर्स में जहाँ पावर सेक्टर इंडिया के अंदर ग्रो करेगा, तो ये कंपनी आपको स्मॉल कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप होती हुई नजर आएगी। हमने बेसिक पैरामीटर जिनकी बात करी थी वो था ROC। तो ROC आप देख सकते हैं 31.6% का है एलेकॉन इंजीनियरिंग के केस में एंड करंटली ये 34 के PE पे अवेलेबल है, जबकि आप इंडस्ट्री का PE देखेंगे तो वो 41 का नज़र आएगा। एलेकॉन इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर स्पेस में 1960 से काम कर रही है, यानी कि आप देख सकते हैं कि 6 डिकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको है एंड अगर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो वो भी अराउंड 60% के आसपास की है। कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है, 0.04 का डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो 22.9% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 83% की है, अगेन ये पैरामीटर भी काफ़ी अच्छा है। PEG रेशियो की बात करें तो वो 0.63 का है, जो कि दिखाता है कि ये स्टॉक करंटली बाइंग की फेवरेबल जोन पे खड़ा हुआ नज़र आता है। अब बात करेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट की। इन चारों ही स्टॉक्स में जिन स्टॉक्स के रिसेंटली क्वार्टर रिजल्ट आए हैं उनको मैंने कवर किया है, अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं तो उन स्टॉक्स के लिए क्वार्टर रिजल्ट मैंने कवर नहीं किए हैं। तो एलेकॉन इंजीनियरिंग के केस में अगर बात करें तो क्वार्टर रिजल्ट अभी जारी हुए हैं। 424 करोड़ जो सेल्स थी मार्च 2023 में, वहाँ से बढ़ के 564 करोड़ हुई है, जिसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं 33% से जो नेट सेल्स है वो इंक्रीज हुई है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 66 करोड़ के बदले इस बार 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, जो कि 52% का उछाल देखने को मिला है। वहीं आप देखेंगे कि जो सेल्स है वो पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने हैं, तो ये 26% की ग्रोथ थी, यहाँ 24% की थी, यहाँ 21% की एंड अभी सेल्स के अंदर 33% की ग्रोथ आई है, जो कि एक्सेप्शनली जो अपनी लीक से हट के अच्छी आई है। तो यहाँ पे जो पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट है, जो पोस्ट अर्निंग जो ड्रिफ्ट आता है मोमेंटम में स्टॉक के, वो आता हुआ देखने को आपको मिल सकता है। वहीं आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी पिछले 2 क्वार्टर की अगर बात करें तो 36% और 43% से ग्रो किया था, वो इस बार 52% से ग्रो किया है। इवन दो पहले भी 69% से ग्रो किया है, उसके बावजूद भी 69% से जब ग्रो किया था तब स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी एंड वहीं अगर 52% देखने को मिला है तो यहाँ भी ये रैली कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो FII के पास दिसंबर 2022 में होल्डिंग थी 1.95%, जो बढ़ के 2% हुई, देन 2.81, 4.88, देन 5.96 एंड करंटली ये होल्डिंग 7.58 है। अराउंड 60% का स्टेक प्रमोटर के पास है। FII के पास अराउंड 7.5% का, 2.29% का स्टेक DII के पास है एंड रिमेनिंग जो 30% का स्टेक है वो रिटेल पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये था पहला स्टॉक जो कि पावर की थीम में काम करने वाली कंपनी है।
एंड पावर के अंदर भी अगर फर्दर डिवाइड करें तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर काम करने वाली ये कंपनी थी। सेकंड स्टॉक की अगर मैं बात करें तो वो है FL इंडिया लिमिटेड। ये भी कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1994 में ये कंपनी रजिस्टर हुई है। ये कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाती है जो कि एड्स होते हैं उनको रिकमेंडेशन में ट्रांसफॉर्म करती है। बेसिकली डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के फील्ड में काम करने वाली ये कंपनी है। लास्ट वन ईयर के रिटर्न देखेंगे तो अराउंड 20% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं, जबकि ये स्टॉक करंटली अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 15.92% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अराउंड 15,000 करोड़ मार्केट कैप की ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में एक मिड कैप कंपनी बनती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो 20.2% का है जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टॉक की पी देखेंगे 57% की है। इसको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने वाली जो इंडस्ट्री पी है उससे कंपेयर यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे जनरल आईटी सर्विसेज कंपनी के केस में जो पी होता है वो लिया हुआ है इंडस्ट्री का, तो इससे कंपेयर करना उतना सही नहीं रहेगा। पीजी रेशो की बात करें तो वो इस पर्टिकुलर स्टॉक का ही निकाला हुआ है, तो वो 1.05 का है। अराउंड 1 एंड उससे नीचे का अच्छा माना जाता है। 1.05 मुझे 1 के बिल्कुल करीब लगता है, तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक करंट लेवल पे सही लगता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर नेग्लिजिबल डेट है। इस केस में क्वार्टर रिजल्ट मैंने कवर नहीं किए हैं क्योंकि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में FII की होल्डिंग 9.97% थी, वो बढ़ के दिसंबर 2023 में 14% हुई एंड मार्च 2024 में आप देखेंगे अगेन थोड़ी सी बढ़ के 14.79% हुई है। प्रमोटर्स के पास 56% का स्टेक है, FII के पास 14% का, DII के पास भी अगेन 14% का स्टेक है एंड रिमेनिंग जो 13% का स्टेक है वो आपको पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये था अपना दूसरा स्टॉक। थर्ड स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो है वेदांत फैशन लिमिटेड। इसकी अगर स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये जो इंडियन सेलिब्रेशन वियर है, यानी कि आपके घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो तो उससे रिलेटेड अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो इनके पास मिल जाएंगे। ये मान्यवर नाम से अपना एक ब्रांड भी रन करते हैं। 22,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। फरवरी 2022 में लिस्ट होने के बाद से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन करंटली पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं होने की वजह से स्टॉक प्राइस अराउंड 36-40% आपको डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। ये भी एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी आप इसे मान सकते हैं एंड इसके भी ROCE की बात करें तो वो 31.7% का है। सेल्स ग्रोथ 34% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 47% का है। PG रेशियो देखें तो थोड़ा सा महंगा नजर आता है 2.94 का एंड डेट की बात करें तो 0.28 है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा डेट आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं। जनरली 0.1 का डेट टू इक्विटी रेशियो परफेक्ट माना जाता है। कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाने में कैपेबल है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो नेट सेल्स है वो 6.30% से इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट जो है वो भी अराउंड 6.36% से इंक्रीज हुआ है। पीछे का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे उसमें -29% था, उससे पहले -8% था, तो पॉजिटिव नंबर आना भी इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात नज़र आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 74% का स्टेक है। इनिशियली प्रमोटर्स के पास 84% का स्टेक था, लेकिन सेबी का रूल है कि जो कंपनी अगर लिस्ट होके अगर 3 साल हो जाते हैं उससे पहले कंपनी को अपने स्टेक को 75% या उससे कम करना होता है, तो उसके चलते कंपनी ने अपने स्टेक को मार्च 2023 के बाद जब जून 2023 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था तो अपनी 10% होल्डिंग कम करी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 10% होल्डिंग जनरली ऐसे केसेस में पब्लिक के पास शिफ्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। जो 10% की होल्डिंग गई उसमें से 3-3.5% फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंक्रीज किए, अपनी होल्डिंग को 3% से बढ़ा के 6% किया एंड जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी होल्डिंग को 9% से बढ़ा के 15% किया, तो सारा 10% इन्होंने कंज्यूम किया। अभी भी आप देखेंगे तो ओनली 4% आपको पब्लिक के पास नजर आएगा, रिमेनिंग 96% का स्टेक आपको प्रमोटर FII एंड DII जैसे स्ट्रांग हैंड के पास देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे इंडिया के जो अच्छे म्यूचुअल फंड है उनमें उन्होंने इस कंपनी को होल्ड करा हुआ है। साथ ही साथ करंटली ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल रही है, तो मुझे इस स्टॉक में एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, जो कि एक मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। जो ये सेलिब्रेशन वियर है, ये जो फील्ड है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर रन करता है, उसमें ये एक डोमिनेंट प्लेयर है, मार्केट लीडर है साथ ही साथ, तो इस कंपनी का फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लगता है। लास्ट कंपनी की बात करें तो वो काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड है। ये कंपनी 2008 से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। ये IoT इनेबल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस है, डिफेंस है,
न्यूक्लियर है, मेडिकल है, इनको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओरिजिनल जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग उसमें भी ये कंपनी काम करती है, तो वो चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती है। 16,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है जो कि स्मॉल कैप स्पेस से बिलोंग करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5% का है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 112% की है जो कि काफ़ी शानदार नज़र आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो इनका स्टेक है 63% प्रमोटर्स के पास हुआ करता था। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 6% से घटाया, तो वो जो पब्लिक का नंबर है वो 10% से 10% ही रहा। जो 6% से जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा था बाजार में, वो या तो FII के द्वारा जो 9% की होल्डिंग को बढ़ा के 12% किया गया, 15% की होल्डिंग DII की थी उसे बढ़ा के 19% का किया गया। यानी कि जो भी रिलीज किए गए थे प्रमोटर्स की साइड से शेयर्स, वो या तो FII ने बाई किए या DII ने बाई किए। इवन पब्लिक के पास से भी जो 10.94% की पब्लिक की होल्डिंग थी वो भी घट के 10.41% हुई है। एंड अभी मार्च 2024 में देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग और कम हुई है, यानी कि 9.61% स्टेक ओनली पब्लिक के पास नजर आता है। रिमेनिंग आप देखेंगे 90.4% का स्टेक प्रमोटर FII NDIA जैसे स्ट्रॉन्ग एंड के पास देखने को मिलता है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये चारों ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके सेक्टर मुझे काफ़ी पसंद है। ये ऐसे सेक्टर है जो आगे आने वाले टाइम में ग्रो करने वाले हैं एंड ये ऐसी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छे तरीके से रन करती है, तो ऐसे सेक्टर्स की ये कंपनियाँ आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे पैसे बना के दे सकती है। तो ये वीडियो कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना नहीं था, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।